भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के तिलंगा स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग साल में 3 बार अपने स्वरूप बदलने के कारण लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन में इस मंदिर का महात्म्य काफी बढ़ जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर उनका जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। गंगा के तट पर स्थित मंदिर का ये शिवलिंग अपनी रहस्यमयी स्वरूप के लिए जाना जाता है। पांडवकालीन शिवलिंग वर्ष में 3 ऋतुओं में 3 बार अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस पर भक्तों की अपार श्रद्धा और विश्वास है। मान्यता है कि पांडवों ने इसे अपने अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया था। महाभारत के वन पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस मूर्ति का 4 महीने में स्वतः रंग बदल जाता है। सावन में काला स्वरूप, गर्मी में गेहुआ और ग्रीष्म ऋतु में ये शिवलिंग भूरे स्वरूप का हो जाता है। कभी 20 फीट खुदाई के बाद भी शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिल पाया था। मंदिर के पुजारी मल्लू बाबा ने शिवलिंग के रहस्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये शिवलिंग सावन के महीने में ऊपरी परत छोड़ता है, लेकिन वो आज तक किसी के हाथ नहीं लग सका है। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाती है, बाबा उसे अवश्य पूरा करते हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आचार्य राजन पांडे, देखिए, बाबा तिलेश्वरनाथ का जो मंदिर है, जो वहाँ गर्भगृह में भगवान शिव विराज रहे हैं, यह प्राचीन कथाओं में है कि महाभारत काल में भीम ने इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। लाक्षागृह से जब पांडव निकले, लाक्षागृह में जब कौरवों के द्वारा आग लगा दिया गया, तो वहां से निकले, यहीं कुछ पास में ही है खड़िया के दक्षिण दिशा में, वहां से पांडव निकले तो पांचों पांडवों ने इस क्षेत्र में 5 शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें कि भीम के द्वारा यह बाबा तिलेश्वर नाथ शिवलिंग की स्थापना हुई और तिल के समान अपने हाथ पे ले करके इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। इतने बलशाली थे, यह शिवलिंग बहुत विशाल है, इस क्षेत्र में इतना बड़ा शिवलिंग कहीं है नहीं। इस शिवलिंग की एक विशेषता है कि यह एक वर्ष में 3 कलर के हो जाते हैं, सफेद, भूरा और लाल कलर के। ये 3 कलर के होते हैं। और एक और विशेषता है कि इस शिवलिंग से एक चपड़ा निकलता है, वह चपड़ा आज तक किसी को प्राप्त नहीं होता है, और वह चपड़ा निकलने पर भी शिवलिंग उतना ही मोटा है। और इस शिवलिंग पे जो रुद्राभिषेक करता है, अर्चन करता है, शिवलिंग का जो दर्शन करता है बाबा तिलेश्वरनाथ, उसके हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहाँ भीड़ तो हमेशा प्रायः भक्तों का लगा रहता है। सावन महीना में भगवान की विशेष कृपा होती है भोलेनाथ की, भक्तों का तो वहाँ ताता लगा रहता है, मेला लगा रहता है, और सभी भक्तों के मनोकामनाओं को बाबा तिलेश्वरनाथ पूरा करते रहते हैं। 1 महीने तक लगातार वहाँ मेला लगा रहता है, और सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी वहाँ बाबा के रुद्राभिषेक, पूजन, अर्चन, आरती वहाँ निरंतर जो है चलता रहता है। मल्लू बाबा यारी है। इस शिवलिंग का इतिहास ये है भैया, 3 मौसम होते हैं, तीनों मौसम में इस मूर्ति का कलर चेंज होता है। बारिश में 4 महीने बिल्कुल काला रंग हो जाते हैं भगवान, ठंडी में गेहुआ कलर हो जाते हैं, फिर गर्मी में एक बिल्कुल कत्था कलर हो जाते हैं। और एक विशेषताएं और हैं, क्योंकि ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये चप्पड़ छोड़ते हैं, ना तो आज कोई पुजारी आज तक पाया और न तो कोई दर्शनार्थी पाया, और छोड़ते हैं फिर गड़बड़ हो जाता है, भगवान का जैसे रहता है उसमें फिर हो जाता है। ये शिवलिंग अज्ञातवास में जब पांचों पांडव निकले थे, तो भीम के हाथ से, युधिष्ठिर के हाथ से
स्थापित की हुई है। पुरानी तो है ही भैया, ये आज का तो है नहीं, करीब 6000 बरिस पहले की ये पुरानी मूर्ति है, आज की तो मूर्ति है नहीं। सावन पे तो रोज जो भीड़ होती है सोमवार को जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि आस पास के जितने गांव हैं, तिलना, सुजातपुर, आनापुर, गुलौरी, अमलौर, गुदरीपुर, बिहरोजपुर, धनापुर, कौलापुर, बगल में मार्केट सटा है गोपीगंज, ज्ञानपुर, मोड़, हडिया, बरौद, इधर महाराजगंज, ये जितने क्षेत्र के लोग हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सावन के लास्ट सोमवार जो होता है भगवान का बहुत बड़ा श्रृंगार होता है, जिसमें महाआरती होती है, उस दिन लास्ट मेला रहता है यहाँ का, जिसमें कि कम से कम लाखों की जनसंख्या 50 के ऊपर 60 के ऊपर ही पब्लिक यहाँ रहती है शाम के 7-7:30 बजे बाद। अरे पीपल का पेड़ हम तो क्या बताएं, हमारे पिताजी भी नहीं बता पाएंगे कितना पुराना है ये पेड़। ये हम तो समझ रहे हैं कि 50-60 बरिस के ऊपर है, इससे कम पल ही नहीं है। इस समय शिवलिंग बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाएंगे, 4 महीने एकदम ब्लैक कलर आपको मिलेंगे।